मोक्ष मार्गस्य नेतारम् वित्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र के इस मंगलाचरण से आप सब अच्छी तरह परिचित होंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंगलाचरण है। इसकी महिमा को कोई कह नहीं सकता। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इस श्लोक को तीर्थोपमानम लिखा है। तीर्थोपमानम तीर्थ के समान, माने जैसे कोई व्यक्ति इसका पाठ कर लेगा तो समझो उसने सम्यक शिखर की वंदना कर ली। सम्यक शिखर की वंदना करने से जो फल मिलता है वो फल इस श्लोक के पाठ से मिलता है। नमोकार मंत्र की महिमा से तो सारी दुनिया परिचित है, पर इस श्लोक की महिमा से लोग परिचित नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। जैन दर्शन की आत्मा इसमें छुपी हुई है। इस पर बहुत गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए तो इसमें बहुत रहस्य निकलेंगे। कहते हैं कि इसी श्लोक की टीका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 2,00,000 श्लोकों में विस्तार करके गंधहस्ती महाभाष्य बनाया था, और फिर उसी का मंगलाचरण आप्तमीमांसा, फिर उसी पर अष्टशती, फिर उसी पर अष्टसहस्री। माने अगर कोई मेरे से कहे कि द्वादशांग बोलो एक श्लोक में, तो मैं ये श्लोक बोलूंगा, इसमें द्वादशांग है। 4 अनुयोग की भाषा में भी देखो तो इसमें चारों अनुयोग है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम ये प्रथमा अनुयोग है। भेत्तारम कर्म भूव्रताम ये कर्णानुयोग है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये द्रव्यानुयोग है, और वंदे तद्गुण लब्धये ये चरणानुयोग। ये मैं इस श्लोक पर आपसे आराम से कई दिन चर्चा कर सकता हूँ नए नए बिंदुओं के साथ में, पर मुझे दूसरी बात करनी है ना, थोड़ा संकेत कर दिया। आप लोग इस पर गहराई से सोचना, जैन दर्शन का क्या स्वरूप है। पूरा जिन शासन एक श्लोक में बहुत अच्छे से झलक रहा है, देखने की जरूरत है। तसल्ली से देखोगे तो इसी में सब दिख जाएगा। जैन दर्शन व्यक्तिवादी है नहीं है, वस्तुवादी है। ये जो बात हम नमोकार मंत्र की महिमा में कहते हैं वो सब भी इसमें भरी हुई है। जैन दर्शन कोई अद्भुत अपूर्व चीज है। ये वस्तु का स्वभाव है, और जिन शासन को इसीलिए आचार्यों ने अलग अलग नामों से कहा। समंत भद्र स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है युक्त्यनुशासन। युक्त्यनुशासन, युक्त्यनुशासन का मतलब है जिन शासन, माने जो किसी और के अनुशासन में नहीं रहता, केवल युक्ति के अनुशासन में रहता है। दुनिया के सारे दर्शन किसी व्यक्ति के अनुशासन में चलते हैं। शिव के अनुशासन में शैव है, विष्णु के अनुशासन में वैष्णव है, बुद्ध के अनुशासन में बौद्ध है, लेकिन जैन
वो युक्ति पर चलते हैं, वो किसी और के अनुशासन में नहीं रहते। इसलिए बड़े भाग्य से हमको आपको सबको ये जिन शासन मिला है, इसकी प्रकृति क्या है। मैंने एक लेख लिखा है जैन दर्शन की विशेषता, जैन दर्शन की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर। शेर की एक प्रकृति होती है, गधे की एक प्रकृति होती है, ऐसे ही जिन शासन की क्या प्रकृति है वो समझना बहुत जरूरी है, तब ये सब चीजें हमको समझ में आती है। ये और धर्मों जैसा हिसाब नहीं है इसका, इसका हिसाब कुछ अलग है। ये तो ऐसा कुछ भाव हमारे अंदर आ जाए, ये चीज समझ में आ जाए तो सब बहुत लाभ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम सब न्याय मंदिर पढ़ना चाहते हैं। अभी अपन ने चार अनुयोग की बात की ना, सारा जिन शासन, जैन साहित्य, द्वादशांग, चार अनुयोगों में बटा हुआ है। उन चार अनुयोगों में एक द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं। जैसे पहले द्वादशांग के चार भेद, फिर चार के भी भेद करो तो और प्रभेद होते हैं। प्रभेद माने जो भेद के भेद हो उनको बोलते हैं प्रभेद। तो द्रव्यानुयोग के फिर अनेक भेद होते हैं और उनमें से एक भेद द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग के तीन भेद हैं। कौन कौन? सिद्धांत, अध्यात्म और न्याय। द्रव्यानुयोग के तीन भेद है, तीन प्रकार के द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह आदि ये सिद्धांत के ग्रंथ है, समय सार आदि ये अध्यात्म के, प्रवचन सार, पंचास्तिका ये सिद्धांत है, लेकिन समय सार ये अध्यात्म है। और परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, नय चक्र ये सब न्याय के ग्रंथ है। तो चार अनुयोगों में से द्रव्यानुयोग एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुयोग है, उस अनुयोग के तीन भेदों में एक भेद है न्याय का। सिद्धांत कहता है क्या वस्तु स्थिति है, अध्यात्म कहता है उसमें से क्या उपादेय है। सिद्धांत बताता है ये चौराया है, ये रास्ता भिंड जा रहा है, ये मोह जा रहा है, ये सिद्धांत दर्पण की तरह दिखाता है। अध्यात्म कहता है कि नहीं, आपको अमायन इधर मुड़ना है, यहां जाओ उधर नहीं जाना, ये काम अध्यात्म का कहे। फिर न्याय कहता है कैसे चेक करें किधर जाना, निर्णय कैसे करें। तत्व व्यवस्था दो तरह की होती है। जैन तत्व मीमांसा को बताने के लिए पूरा द्रव्यानुयोग है। द्रव्यानुयोग का क्या कार्य है? तत्व मीमांसा करना द्रव्यानुयोग का कार्य है, और कोई काम नहीं। तत्व मीमांसा करने वाले कैसे थे वो प्रथमानुयोग बताता है। तत्व मीमांसा करने वालों का जीवन कैसा होता है वो चरणानुयोग बताएगा, वो अलग मामला है। लेकिन तत्व मीमांसा करना वो द्रव्यानुयोग का काम है। अब तत्व भी दो तरह के होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो, तत्व दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं कारक तत्व, एक को कहते हैं ज्ञापक तत्व। एक कारक तत्व, एक ज्ञापक तत्व। कारक तत्व का मतलब है जिनसे ये दुनिया चल रही है, जिनसे कारण कार्य व्यवस्था है, वो कारक तत्व है।
और उनको सही जानना, वो कैसे जाना जाए, उसका नाम है ज्ञापक तत्व। जाने कैसे, जानना बहुत जरूरी है, जानने का तरीका भी सही होना चाहिए। जैसे मकान तो जमीन पे बनेगा, मगर जमीन कैसी है, जमीन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंचाई का मकान बनेगा, इत्यादि नियम, वो अलग चीजें हैं, फॉलो उनको भी करना पड़ेगा। व्यापार तो सामान बेचने लेने देने से होगा, लेकिन सामान बेचने लेने देने के लिए तराजू बांट तो चाहिए। कोई दुकानदार कहे कि मेरी दुकान छोटी सी, मैं 20,000 रुपया महीना किराया देता हूँ, इसमें सामान रखने कोई जगह नहीं है, मैं तराजू क्यों रखूँ, 2 फीट जगह क्यों खराब करूँ, 2 फीट जगह में उतनी जगह में मैं सामान भरूंगा इसमें। भैया सामान कैसे तराजू कोई खरीदने आता है, मेरे तराजू की दुकान थोड़ी है जो मैं तराजू रखूं। न्याय को आचार्यों ने उपमा दिए तुला समा, ऐसा 3-4 जगह लिखा है आज। न्याय क्या चीज है, तुला समा, बहुत अच्छी उपमा है, बहुत ही बड़ी। अब इस पर भी 1 घंटे शांति से आपको चिंतन करना है। न्याय क्या है, तो लिखा तुला समा, तराजू के समान है। तराजू जितनी उपयोगी है, जितनी अनुपयोगी है, जितनी साधक है, जितनी बाधक है, जैसा आचार्य, हालांकि उदाहरण सब एक देश होते हैं, अपूर्ण होते हैं, तथापि हमारे पूर्वाचार्य ये कोशिश करते रहे हैं कि उदाहरण ज्यादा से ज्यादा सूटेबल हो, जितना सर्वाधिक उपयुक्त तो हो सके, ऐसी वो कोशिश करते हैं। तो तुला का उदाहरण दिया, तुला में तोलना जरूरी है, पर तुला ही नहीं रखा रहेगा उसको, है कि नहीं। तो इसलिए तुला के जैसे तराजू पक्षपात नहीं करती, जैसे तराजू जैसा है, तराजू को भी मान बोलते हैं, मान बोलते हैं, पैमाना बोलते हैं। न्याय शास्त्र का दूसरा नाम प्रमाण शास्त्र है। प्रमाण शास्त्र इसलिए ही है क्योंकि प्रमाण, प्रमाण माने पैमाना, प्रमाण शब्द से ही अपभ्रंश में लोक भाषा में पैमाना बन गया। पैमाना, पैमाना कहां से बन गया, प्रमाण से ही बन गया। मान मने सम्यक ज्ञान, मान मने, मान मने वो तो आप जानते हैं अभिमान, लेकिन प्रमाण, प्रमाण में प्रमाने उत्कृष्ट, मान मने ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान का नाम प्रमाण है। मान माने ज्ञान होता है, ये बहुत लोगों को अपरिचित रहता है, लोग जान नहीं पाते। जबकि मांग माने संस्कृत की धातु है, मापने अर्थ में है, उसी से मान पैमाने, लीटर मीटर सब पैमाने हैं, ये मान है। और आपको बताऊं, हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी आता है कि जिसको आप मानस्तंभ कहते हो, उस मानस्तंभ में भी मान शब्द का अर्थ वास्तव में ज्ञान है। वो मानस्तंभ, वो ज्ञानस्तंभ है। ज्ञानस्तंभ क्यों है कि वो समोसरण के बाहर लगा रहता है, ऊंचा होता है बहुत। तो वो जैसे किसी दुकान पर साइन बोर्ड लगाते हैं कि आओ यहाँ मिठाई मिलती है, यहाँ कपड़े मिलते हैं, यहाँ ये लिख देते हैं ना, महावीर वस्त्र भंडार। मतलब क्यों लगाया ये, कि आपको पता चले यहाँ पे। तो वो मानस्तंभ है, मतलब ज्ञान स्तंभ है, वो ऊंचा है और सारी दुनिया का साइन बोर्ड है, आओ यहाँ ज्ञान यहाँ बिट रहे है, ये ज्ञान का साइन बोर्ड है। वो शास्त्र की बात बता रहा, अपने मन से कल्पना करके कुछ नहीं बता रहा हूँ। शब्दों की तोड़ा फोड़ी मुझे पसंद नहीं है,
कितने नहीं नहीं वो तुकबंदी नहीं है, वो भी बात सही है, वो भी बात अपनी जगह सही है। मान ही गला क्या, क्रोध भी गल गया। वहां तो सभी कसाएं गल जाती है। किसी एक का मान अधिक था तो कहा वो जो मान में अधिक चकचूर थे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, उनका मान गला था तो उस घटना को लेकर के कहा कि इनका मान गल गया। कोई बहुत बड़ा व्यसनी होगा तो उसका व्यसन गलेगा, जो जो लेके आएगा उसका वो छूटेगा। हमें किसी को हाथ में लड्डू देना है, अब उसके हाथ में जो होगा ना, उसने ब्लेड पकड़ रखी होगी तो ब्लेड छूटेगी, बॉल पकड़ रखी होगी तो बॉल छूटेगी, उसने जो पकड़ रखा होगा वो छूटेगा। इसलिए वो मान, वो गौतम स्वामी की घटना के कारण ऐसा कहा, पर मान माने ज्ञान है। तो इसलिए द्रव्यान योग के तीन भेदों में एक सिद्धांत है, एक अध्यात्म है, एक न्याय है। न्याय ये बताता है, तत्व तो सब बताते हैं कि इतने तत्व ऐसे हैं, लेकिन ये जो बताए हैं ये सही बताए कि गलत बताए हैं? सब बता रहे हैं, अब क्या करे? सब बता रहे ये जीव ऐसा है, जीव ऐसा है, मोक्ष ऐसा है, ये बता रहे, लेकिन ये सही है कि गलत? इसे चेक करने के लिए आपको लग रहा है बुखार है, थर्मामीटर बस बोलेगा जब मानेंगे। आपने कह दिया मेरा प्लॉट ले लो आप 100 गज का है, अरे भैया हम नाप के देखेंगे, वो 20 गज का भी नहीं है, तुम 100 गज बोल रहे हो। तो वो कितना बड़ा है ये देखने के लिए ईमानदारी के नैतिकता का आधार तो प्रमाण है सारी का। जो न्याय व्यवस्था नहीं मानेगा, जिसके पास प्रमाण व्यवस्था नहीं है, उसके आचार व्यवस्था भी नहीं बनती, उसके कुछ नहीं बनेगा। इसलिए न्याय शास्त्र को जैन धर्म में मूलाधार कहा, मूलाधार। प्रमाण नयैर अधिगमः, न्याय की परिभाषा बनाई कि प्रमाण नयात्मको न्यायः। न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको न्यायः। नय और प्रमाण से न्याय होता है, ये एक बहुत ऊंची बात है, गहरी बात है। इसलिए न्याय को थोड़ा मन लगाकर, थोड़ा जोर देकर, थोड़ा फोकस करके, थोड़ा सा नीरस हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है शुरुआत में, लेकिन एक बार इसमें मन लगेगा ना तो फिर हटेगा नहीं कहीं, असली चीज यही है। बहुत सारी मिथ्यात्व का नाश न्याय के बिना होता नहीं है। जो व्यक्ति नए प्रमाण से वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं, वे व्यक्ति मिथ्यात्व का नाश नहीं कर पाते, उनको तत्व का सम्यक अधिगम नहीं होता है। इसलिए ये जानना जरूरी है, बहुत जरूरी। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कई बार लिखा, बिना परीक्षा किए किए गए श्रद्धान को अश्रद्धानवत ही जानना। कितनी बड़ी बात, बिना परीक्षा के श्रद्धान को अश्रद्धानवत ही जानना, वो श्रद्धान ही नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का निराकरण किया, कुल अपेक्षा है ये तो, ये इस अपेक्षा है, ये ऐसे ऐसे कई तरह के हैं। उनमें से एक है परीक्षा रहित आज्ञा अनुसारी धर्मधारक मिथ्या दृष्टि। उस प्रकरण को एक दफे आप फिर से पढ़ना आज मेरे कहने से, आपको पता चलेगा। उसमें बहुत साफ साफ लिखा, कितने ही जीव जिन आज्ञा मानते हैं परंतु स्वयं परीक्षा नहीं करते,
वे भी मिथ्या दृष्टि ही जानना। क्योंकि यदि शास्त्रों की आज्ञा मानना ही से ही सम्यक दृष्टि हो तो सभी लोग अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, सब सम्यक दृष्टि हो जाए। इसलिए यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ, ऐसा लिखा, यह तो पक्ष से आज्ञा मानना हुआ। तुम इस्लाम में पैदा हो जाते तो तुम कुरान की आज्ञा मान लेते, ईसाई में पैदा हो जाते तो बाइबल की मान लेते, तो ऐसे थोड़ी कार्यक्रम चलेगा। जिन आज्ञा मानने वालों को भी उन्होंने सर्टिफिकेट मिथ्या दृष्टि का दिया, मिथ्या दृष्टि है। और ये जरूर लिखा, यद्यपि ये औरों से भले हैं और दुर्गति में अभी न जाकर स्वर्ग आदि में जाएंगे, परंतु है मिथ्या दृष्टि। जन्म मरण का अभाव नहीं हुआ। देखो, भाव पाउड में कुंद कुंद महाराज ने एक गाथा लिखी है 82 नंबर की, उसमें ऐसा लिखा है, जैन धर्म पाना तो तब सफल सार्थक है जब जन्म मरण का अभाव करो। कुगति टाल के सुगति में चले जाओ, इससे जैन धर्म पाना सफल नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ। इतना काम तो दूसरे भी कोई बोले, और भी बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में, सारे ही धर्म ऐसे हैं जो आपको, ऐसा कौन धर्म है जो सीधे सीधे कहेगा हिंसा करो, झूठ बोलो, व्यभिचार करो, चोरी करो, ऐसा कोई नहीं कहता। आपको एक एक आदर्श व्यावहारिक नागरिक बनाने की बातें तो जीवन में बहुत है, बहुत शास्त्र सिखाते हैं, स्कूल कॉलेज में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब आपको एक ऐसा नागरिक बना सकते हैं कि आपकी चौराहे पर फोटो लग जाए, बहुत बढ़िया आदमी ऐसा। लेकिन जन्म मरण का अभाव करने की कला तो सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन सिखा सकता है, और वो कला बिना परीक्षा के नहीं आती, बिना प्रमाण नय के नहीं आती, बिना न्याय शास्त्र पढ़े नहीं आती। न्याय शास्त्र पढ़ने से अनेक अनेक लाभ है, बहुत सारे लाभ है। मैं इस विषय पर खूब बोलता हूँ, खूब लिखता हूँ, खूब लिखा है, आपको सबको पता होगा, आप सब उनको देखेंगे पढ़ेंगे तो और बातें अपने आप पता चलेगी। यहाँ तो जितनी लिमिटेड थोड़ी थोड़ी मैं कह पा रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ। आप कुल मिला के प्रयोजन ये है कि ये महत्वपूर्ण विद्या है और इसको पढ़ो, और इससे हमको सम्यक तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो, दुख का मूल कारण है ना, वो अज्ञान है, वस्तु के स्वरूप को हम नहीं जानते। मैंने इस पर भी लेख लिखा है, ये भी मैं घंटों बोलता हूँ, दुख का मूल कारण अज्ञान है। संसार में कितनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं जितने आसमान में तारे भी नहीं है, समस्याएं इतनी है। अभी आप मेरे से पूछो ना, अभी जैसे मान लो मैं आपके घर आया, और साहब सब ठीक ठाक, कुशल मंगल हो, और कोई दुख तकलीफ, अगर मैं अपनी दुख तकलीफ गिनाना शुरू करूं ना, मेरे शरीर शारीरिक समस्याएं गिनाऊं, पारिवारिक समस्याएं गिनाऊं, सामाजिक समस्याएं गिनाऊं, ऑफिस की गिनाऊं, राजनीति की गिनाऊं, मेरे मोहल्ले की बताऊं, कहाँ कूड़ा, कहाँ नाली, कहाँ क्या क्या, माने कितनी समस्याएं इतनी हैं जितने आसमान में तारे भी नहीं है। मगर उन सब समस्याओं का समाधान एक है, ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ज्ञान का महत्व हमको समझना है। न्याय शास्त्र पढ़ने वाले को पहले दिन
मेरा कल्याण कर सकता है कोई तो ज्ञान कर सकता है। मेरा जो सबका भरोसा तोड़ के होकर निराश सब जग भर से जो ज्ञान की शरण में आया उसको न्याय समझ में आ सकता है, उसको जिन शासन समझ में आ सकता है। देखो कभी इस विषय पर भी मैं बहुत सोचता हूँ, एक तरफ पार्टी खड़ी करता हूँ अज्ञान और दूसरी तरफ ज्ञान, ज्ञान का क्या महत्व है। और अज्ञान आप लोग एक एक घंटा बोलो लिखो, आप एक लेख लिखो अज्ञान की महिमा, दूसरा लिखो ज्ञान की महिमा, दो दो पन्ने लिख के मुझे दिखाओ आप। मैं देख ज्ञान का क्या, मैं आप क्या जानते हो ये हवाई जहाज कैसे उड़ रहा है, किससे हवाई जहाज उड़ रहा है, ईंधन से। ट्रेन कैसे भाग रही है, 50 डिब्बों की ट्रेन जिसका एक पहिया आदमी नहीं हिला सकता, 1000 पहिए दौड़ा रहा है, कैसे कैसे वो ट्रेन कैसे दौड़ रही है, कोयले से नहीं, बिजली से नहीं, इससे। ट्रेन ज्ञान से चल रही है, हवाई जहाज ज्ञान से चल रहा है, सब काम ज्ञान से हो रहे हैं। आंखें कमजोर थी ये चश्मा किसने बनाया, कौन काम है बताओ, ये कुर्ता किसने सिला, सर्दी कौन भगा रहा, गर्मी कौन, सब काम ज्ञान कर रहे हैं। ज्ञान हम ज्ञान, रोटी कौन बना रहा है, खेत में से कौन गेहूं बो रहा है, गेहूं बोना फिर उसको कैसे साफ करना, फिर आटा बनाना, फिर रोटी बनाना, जलेबी नहीं कच्ची भी ना रहे, कमाल है, कौन कर रहा है ये सारी महिमा। ज्ञान की है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं है, एक कदम नहीं चल सकते। दूध पर भगोना, गैस पर भगोना रखा है दूध गर्म होने के लिए, अज्ञानी हो गर्म भी हो जाए और फैले भी नहीं, वो कमाल की बात है, आप उतार के ठंडा करके पी भी लो, चमत्कार है ये तो, ये सब ज्ञान का चमत्कार है। अज्ञानी हो तो उस भगोने को ऐसा उतारेगा, हाथ भी जलाएगा, कपड़ों पर भी गिराएगा, दूध भी फैलाएगा। अज्ञानी होगा तो हर काम में सफल हो जाएगा तरीके से। तो सारी समस्या अज्ञान की, गुस्सा क्यों आता है अज्ञान से, अहंकार क्यों होता है अज्ञान से, कोई क्या दिक्कत आती है, उसने मेरी इज्जत खराब कर दी, अरे इज्जत मेरी वो कैसे खराब कर सकता है, मेरी इज्जत उसने खराब कर दी, अरे कमाल की बात है भाई, इज्जत तेरी तू खराब कर सकता है, तेरी इज्जत दूसरा नहीं खराब कर सकता, पर इसका दिमाग है मेरी कोई, इन्होंने दो शब्द क्या कह दिए, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत इनके हाथ में है। सब सारा गुस्सा आता है अज्ञान से, सारी कसायों का मूल कारण है अज्ञान। एक बात पक्के से ठोक बजा के सीख लो, समझ लो, सौ सारी समस्याओं की जड़ एक है अज्ञान, और सारी समस्याओं का समाधान भी एक ही है ज्ञान। एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम था श्रवण बेलगोला में मस्तकाभिषेक का जब मौका था, तो मुझे भी वहां पर एक काम सौंपा था, बोले दुनिया मस्तकाभिषेक करेगी, आपको अक्षराभिषेक करना है। मुझे वहां बुलाकर कमेटी ने, मस्तकाभिषेक समिति ने एक साल डेढ़ साल पहले मुझे कहा, बोले साहब इस तारीख को डेढ़ साल बाद यहाँ मस्तकाभिषेक होगा, लाखों लोग आएंगे। मैंने कहा मुझे क्यों बुलाया है, मेरा क्या काम है यहाँ। बोले नहीं, आपको उस समय अक्षराभिषेक करना है, अक्षराभिषेक की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने कहा अक्षराभिषेक क्या होता है स्पष्ट करो।
तो बोले आपको 100 ग्रंथ चुनने हैं जो अप्रकाशित हों, दुर्लभ हों, उनको प्रकाशित करना है। 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल में 100 ग्रंथ प्रकाशित करने हैं। अप्रकाशित ग्रंथ, दुर्लभ ग्रंथ यहां वहां, और कुछ चिंता नहीं करनी है। एक काम है, तुम्हें 5 आदमी की टीम बनाई और 100 ग्रंथ छपाए। 100 ग्रंथ छपे हैं, और 100 ग्रंथ छपा करके उन 100 ग्रंथों को एक चांदी की बहुत बढ़िया गोदरेज की अलमारी बनाई। उस गोदरेज की चांदी की अलमारी में उनको रखा, और रख करके देश के उपराष्ट्रपति को बुलाया, उपराष्ट्रपति के हाथ से उसका विमोचन कराया। तो उपराष्ट्रपति लिमिटेड टाइम देते हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत फंक्शन था, और मुझसे कहा कि आपको है ना 120 सेकंड बोलना है। मुझे बोलना था 120 सेकंड, 2 मिनट, 2 मिनट। वहां सेकंडों में टाइम देते, वो मिनटों में नहीं देते। वहां राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रम पढ़ना, वहां सब टाइम टेबल सेकंडों में लिखा होता, मिनटों में नहीं लिखा होता। क्यों? अब जैसे मान लो मुझे 120 सेकंड दिया जाए ना, अब मैं 22 23 25 कर सकता हूँ, 25 के बाद बोला तो कुर्ता खींच लेंगे पीछे से। टाइम लिमिटेड, बिल्कुल उतनी देर तैयारी करके आओ। तो मुझे 120 मिनट का टाइम, 20 सेकंड का टाइम दिया। हमने कहा क्या बोले, तो मैंने वहां बोला, अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई विष नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई अमृत नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई दुख नहीं है, और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। अज्ञान से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये संदेश जन जन तक पहुंचे, इसलिए हमने ये 101 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी से निवेदन है कि इनको लोकार्पण करें। इतना सा बोला। अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है, ये अंधकार क्या चीज है? अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। अज्ञान से बड़ा कोई विष नहीं है, आत्महत्या कौन करता है? नहीं, सारे सारे दोष किसके होते हैं? समंत भद्राचार्य ने लिखा, स्वदोष मूलम, दोष राग द्वेष बुरे नहीं है, राग द्वेष का मूल तो अज्ञान है। हमको गलती गलती नहीं लग रही है, हमको राग द्वेष तो गलती लग रहे हैं, लेकिन राग द्वेष का मूल अज्ञान है। राग द्वेष की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होंगे, मानोगे जानोगे, तो अज्ञान को काटने की कोशिश करो। जीवन में कुछ करना है तो एक ही काम करना है। ऐसे ही एक दफे और 2 मिनट बोलना था। हमने कहा क्या बोले, हमने कहा देखो सुनो, आत्मशुद्धि का नाम ही धर्म है। और आत्मशुद्धि का मतलब क्या, आत्मा में अनंत गुण है, वे करीब करीब सब शुद्ध है, 3 में दोष है। जैसे एक अनार हो ना, उसमें 2-3 दाने खराब हो जाए, ऐसे आत्मा में अनंत गुण है, उसमें से सब अस्तित्व वस्तु तो सब वैसे ही है जैसे सिद्ध हो, जैसे कुछ खराबी बराबी नहीं। काय की शुद्धि करनी, शुद्ध ही है वो। 3 में अशुद्धि आई है। श्रद्धा सही करो, ज्ञान सही करो, और चारित्र सही करो। अब 3 में भी अकलंक आचार्य ने लिखा कि तुम तो अपनी पूरी ऊर्जा ज्ञान में लगा दो। बोले श्रद्धा अपने आप ठीक होगी, जैसा जानोगे
वैसा मानोगे। जाना नहीं तो मान सकते नहीं। तुम मनवाना चाहते हो जबरदस्ती, मानो मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। कैसे मानूं, पहले जानूंगा, जब तो जानूं। श्रद्धा बहुत तेज है और श्रद्धा बहुत एक अलग टाइप की है। वो श्रद्धा, वो समोसरण में ले जाओ आप, उसको नहीं बदलेगी। वो जिद्दी है। वो श्रद्धा तभी बदलती है जब उसके खुद समझ में आए। नहीं समझ में आए तब तक वो बदलती नहीं है। श्रद्धा, हमें श्रद्धा बदलनी है। श्रद्धा बदलना मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है, प्रथम पुरुषार्थ है, बहुत बड़ी बात है। मगर श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है, उठा के उलट दो, हेलो पलट, बदल दी श्रद्धा, ऐसे नहीं बदली जाएगी। श्रद्धा बदलना है, मगर श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। श्रद्धा बदलना है, मगर श्रद्धा बदलने का पुरुषार्थ श्रद्धा में नहीं होता, ज्ञान में होता है। ये मेरे, ये यहां छाया आ रही है। अब इस छाया को हटाने के लिए क्या करूं, ब्लेड रगड़ दूं, क्या करें? छाया को हटाने के लिए छाया में जैसे कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ तो हाथ को हटाने में करना है। अकलंक आचार्य ने लिखा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग, यहां बीच में ज्ञान क्यों रखा? तो उन्होंने कहा ज्ञान को मध्यमणि न्याय के समान समझना। मध्यमणि न्याय के समान समझना माने क्या? जैसे कोई हार हो और उसमें सबसे बड़ा मोती हो, बड़ा लॉकेट हो, कीमती लॉकेट हो, तो वो हम कहां लगाते हैं? बीचों बीच। ऐसे ही बोले ज्ञान सबसे ज्यादा कीमती है, इसलिए उसे बीच में रखा। तो बोले बीच में क्यों? कि वो दोनों को कंट्रोल करता है। ज्ञान के बिना की श्रद्धा अंधश्रद्धा, चारित्र के, ज्ञान के बिना का चारित्र ओवाखंड, बाल तक, बाल संयम। ज्ञान पूर्वक श्रद्धा हो तो तीन में भी काम बच गया। कैसी गजब बताओ, कैसा मध्यमणि न्याय दिया कि आप है ना दोनों को कंट्रोल करेगी, चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। ज्ञान में, चारित्र में पुरुषार्थ नहीं करना है, तुम्हें पुरुषार्थ केवल और केवल ज्ञान में करना है। तुम सम्यक ज्ञान के तुम अपने प्रति धोखा मत करना, एक डरना मत किसी से। गुरुजी कह रहे हैं तो मान लूं, ये भाव भाव के अभाव के लिए मिला है, किसी को राजी करने के लिए मिला नहीं है, ये भाव भाव के अभाव के लिए मिला है। किसी को राजी नाराजी करने का धंधा हमारे जीवन में हमने ले रखा? हमारे यहां आचार्यों ने तीर्थंकरों से कह दिया, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिला दिशु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। बेईमान होगा वो नाराज होगा, परखने की बात से दुकान पे आप ये बोलो भैया हम चेक कर जाए पर, तो बेईमान होगा वो तो नाराज हो जाएगा। ईमानदार होगा वो क्या कहेगा? थोक बजा के बेचता हूं माल, मुझे किसी का डर नहीं। तो ये एक बहुत ऊंची बात, गहरी बात, न्याय शास्त्र हमको मिला। कौन देगा ये न्याय शास्त्र? कोई नहीं दे सकता। पूरे जौहरी बाजार में हर दुकान पर नकली जवाहरात मिलते हैं, इसलिए उनकी दुकान पर जाओ तो वो कहते कहीं से भी खरीद लो, एक ही बात है साहब, कहीं से भी खरीद, सब एक ही बात है साहब।
जो असली बेच रहा है वो कैसे बोले सब सही है, सब एक है, सब सब एक नहीं है, ठगा जाओगे। हमारा माल लेओ, देखो, चेक करो, हमारा मार्का है, ट्राई करके आओ, कोई बात हो तो हम जिम्मेदार है। कौन बोलेगा हम जिम्मेदार है? तो इसलिए ये न्याय शास्त्र हमको बहुत सोचने का हमारा तरीका बदलता है, हमको वैज्ञानिक बनाता है। जैन दर्शन एक विज्ञान है, वो तत्व की परीक्षा करो, तुम्हारी चीज तुम्हारी बननी चाहिए तब तुमको लाभ होगा। यदि ये तुम्हारी नहीं बनी तो तुमको लाभ होने वाला नहीं है, ये वहीं तक रह जाएगी। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आपको थोड़ा बहुत न्याय का रस लग जाए तो बहुत अच्छा रहे। इसके लिए ये न्याय की छोटी किताब है, न्याय मंदिर है, प्रश्नोत्तर शैली में, जैसे कोई नर्सरी क्लास में होते हैं ऐसे है। परीक्षा मुख न्याय दीपिका से भी सरल करने की कोशिश की, हालांकि न्याय दीपिका परीक्षा मुख वो प्राथमिक ग्रंथ है। न्याय के 300 ग्रंथ अभी मौजूद है, जबकि कितने नष्ट हो गए कर गए कोई पता नहीं, लेकिन 300 ग्रंथों की तो मैंने लिस्ट बनाई है। मेरे किताब मेरी एक और किताब है जैन न्याय प्रदीपिका, उस जैन न्याय प्रदीपिका में न्याय के 60 लेख है मेरे, छोटे छोटे, न्याय शास्त्र कैसे पढ़े, क्यों पढ़े, क्या लाभ है, मिथ्यात्व, एक लेख है मिथ्यात्व के नाश में न्याय शास्त्र की क्या भूमिका है, सब चीजों का वर्णन है। तो उसमें एक लेख है न्याय के ग्रंथों की सूची उपलब्ध, 300 ग्रंथों की सूची है वो। तो 300 ग्रंथ अभी भी मौजूद है। देखो, हम लोग बहुत शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन न्याय शास्त्र पढ़े बिना वो गुण नहीं कर रहे हैं, वे गुण करेंगे यदि हमको न्याय आ जाएगा। नए प्रमाण, नए नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, कोई विवक्षा नहीं समझी। समंत भद्राचार्य ने एक वाक्य लिखा है, सत्य और असत्य में एक ही अंतर है। बोले सत्य सही और झूठ में एक ही अंतर है, सत्य बात नए से कही जाती है, असत्य बात बिना नए के कही जाती है। जो अपेक्षा सही तो हो वो स्वपर कल्याणकारी है, जो निरपेक्ष हो वो स्वपर घातक है। इसलिए हमको ये सब चीज थोड़ा सा अपना विवेक जागृत करो। भगवान भरोसे पड़ा रहा, कोई हमारा भला, अज्ञान दुखदाई है ये समझो, और अज्ञान को नहीं काटा तो 4 गति 84 लाख योनि में भटकूंगा ये पक्का समझ लो। अज्ञान काटना जरूरी है, मूल कारण अज्ञान है, और अज्ञान का उपाय गहरा स्वाध्याय है। एक चरण हूं नित पढ़े तो काटे अज्ञान, बुद्धिजन जी ने लिखा। रोज गहराई से पढ़ो, निरंतर पढ़ो, मेरा हित मुझे करना है, मेरे हित का मैं जिम्मेदार हूं, इस भावना से हमें सत्य का ज्ञान करना है, हमें किसी धर्म से पक्षपात करना नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं। पढ़े क्या बताओ, अनुकूलता है क्या है? हमें नहीं पता, हम तो पढ़ाते 6-6 घंटे लगातार, तो ये न्याय की इसकी क्लास चलती है, तो चलती है, चलती रहती है। हम मेरे यहाँ एक क्लास चलाते 10 बजे शुरू करते हैं, 1 बजे खत्म करते हैं, फिर बाद में 1 बजे से 2 बजे तक सब लोग थोड़ा सा फ्री हो लो, फिर 2 बजे बैठते, 5 बजे तक फिर पढ़ाते। पढ़ो भैया शांति से, तुम भी पढ़ो। अरे बहुत समय इसमें लगाना जरूरी है, लिखो पढ़ो, ये सब ज्ञानाभ्यास करना जरूरी। ये बात समझ लो कि दुख कोई दे रहा है तो अज्ञान दे रहा है। हमको वस्तु के स्वरूप का सही सही ज्ञान नहीं है,
इसलिए सारी प्रॉब्लम खड़ी है। वो ज्ञान करना बहुत जरूरी है कैसे भी करके, नहीं कोई बात। तो अज्ञान दुखदायक, मुझे संकल्प करो मुझे अज्ञान काटना है कैसे भी करके, और बहुत मेहनत करना है, प्रमाद छोड़ना है। सम्यक्त कौमुदी ग्रंथ में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़िता निद्रालु कामुकश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। किसको ज्ञान नहीं हो सकता? छह तरह के लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कौन कौन? नंबर एक आलस्यो, आलसी आदमी ज्ञान नहीं प्राप्त। पहले नंबर पर प्रमाद छोड़ो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन? आलस्य जो तुम्हारे अंदर बैठा है, वो चाइना तो वहां बैठा है और तो सब दूर दूर बैठे हैं। सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। तो ये सबसे खतरनाक है, आलसी आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं करता। आलस्य छोड़ो, अरे हमको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम आलस्य में टाइम बिताएं। मैं हमारे घर के नीचे एक सब्जी बेचता है, उसको देखता हूं सुबह 3 बजे उठ करके सब्जी मंडी जाता है, 30 किलोमीटर दूर आजादपुर सब्जी खरीदने जाता है, सब्जी लेके आता है, फिर सारे दिन उस ठेली पर खड़ा रहता है, बेचता है, रात को 9 बजे घर जाता है। वो रात 9 बजे घर जाता है। हमने कहा देखो ये सब्जी वाला सुबह 3 बजे घर छोड़ा, 9 बजे तक यहाँ पर कैसे तैसे अपना। हमको तो सिर्फ उठ करके स्विच ऑन करके, हम इतना भी नहीं कर सकते। और अगर उस जैसे गरीब होते तो जाते कि नहीं? हम भी जाते ना। आज हमको कुछ आर्थिक अनुकूलता मिल गई इसलिए नहीं जा रहे ना, कि हम हमको जरूरत नहीं है, हमारे पास है, होती जरूरत तो जाते ना। तो यहीं स्विच ऑन करके पढ़ लो ना, पढ़ो लिखो, इनको लिखना जरूरी है। एक लेख और लिखा है मैंने छोटा सा, वो भी पढ़ना, विद्यार्थी के सट आवश्यक। हर विद्यार्थी को अगर ज्ञानार्जन प्राप्त करना हो तो 6 काम रोज करना जरूरी है, 6 काम रोज करना जरूरी है। रोज आना, जैसे श्रावक को सट आवश्यक अपने पालना जरूरी है, जैसे मुनि महाराज के अपने सट आवश्यक है, ऐसे ही ज्ञानार्थी के विद्यार्थी के सट आवश्यक है। कौन कौन से? के नंबर एक, रोज थोड़ी देर पढ़ना चाहिए। वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः लेखनम पाठनं चापि षट्कर्माणि दिने दिने। ये श्लोक लिखा है मैंने कि ये 6 अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए श्लोक लिखा। 6 श्लोक भी होना चाहिए ना फिर उसका। तो वाचन जरूरी है, दूसरा श्रवण जरूरी है। कितने ही लोग सुनते ही सुनते हैं बस, मैंने बहुतों को देखा वो बस सुनते सुनते अपना कुछ नहीं पढ़ते। कोई ग्रंथ को विधिवत शुरू से अंत तक स्वाध्याय अपना पढ़ना भी जरूरी है। लोग सुन लेंगे 8 घंटे 4, अरे तुम सुनते हो, खुद पढ़ो, ग्रंथ को पढ़ो शुरू से अंत तक। तो वाचनम श्रवणम स्मरणम रोज थोड़ा सा थोड़ा कंठस्थ करना जरूरी है। एक लक्षण याद करो, 5 मीनिंग याद करो, 1 श्लोक याद करो, 1 गाथा याद करो। ऐसे ऐसे गुरु हुए हैं कि हमें आदेश दे दिया था 1 श्लोक याद नहीं करो तो भोजन मत करना। 1 साल का नियम है, 1 साल का नियम लिया है मैंने, श्लोक याद ना करूं तब तक भोजन नहीं कर सकता।
आज दसियों हजार याद हो गए, कैसे हुए? और वो अब चल रही है यात्रा पर, वो श्लोक तो यहां चल रहे हैं ना, गाथाएं तो यहां चल रही है। मूल आगम कंठस्थ करो, शब्दों के अर्थ जानो, एक एक शब्द का क्या अर्थ होता है डिक्शनरी में, ऐसा रहस्य भरा पड़ा है। अरे ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान का भोजन खूब करो। इसलिए एक एक शब्द का मैं क्या, जिधर शुरू हो जाता हूं उधर ही शुरू हो जाता हूं, पात में पात है, जिधर शुरू हो जाऊंगा उधर ही शुरू हो जाऊंगा, है कि नहीं? बार बार लौट के आना पड़ता है। वाचनम श्रवणम भक्त्या, बड़ी प्रीति के साथ में पढ़ो, शुरू से अंत तक। पढ़ने का भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, संविधान है, वो ऐसे ही नहीं ऊट पटांग कुछ भी कहीं से भी पढ़ा कहीं भी छोड़ दिया। पढ़ो तरीके से सुनो, सुनने का संविधान है एक, वो भी सुनना भी ऐसे ही नहीं होता, उसका भी कुछ शिष्ट है, उसके भी कुछ नियम उपनियम है। वाचनम श्रवणम भक्त्या स्मरणम प्रच्छनम पुनः, कुछ स्मरण करो रोजाना, अपनी डायरी में 5 मीनिंग रखो, 1 श्लोक लिखो। पहले दिन पहला श्लोक याद करने में आपको 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन दूसरा 3 दिन में होगा, तीसरा 2 दिन में होगा, चौथा 1 दिन में होगा, पांचवा 1 घंटे में होगा, और छठा 2 मिनट में होगा। चुटकियों में होते हैं, फिर कोशिश तो करो। तो कुछ कंठस्थ करना, टोडरमल जी ने सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि में लिखा है, लक्षण निर्देश आदि कंठस्थ करे, तो कंठस्थ करना जरूरी है। फिर चौथा है प्रच्छनम, कुछ लोग कभी कुछ नहीं पूछते, वीतराग भाव से रहते, कुछ कोई शंका नहीं होती, पूछते ही नहीं, कुछ नहीं पूछते। पूछना बहुत जरूरी है, बहुत पूछो, पूछने से ज्ञान का विकास होता है, पूछने से निर्मलता आती है। पूछना, प्रश्न पूछना एक बहुत बड़ा सोपान है। बड़े बड़े विद्वानों से मिलो, पूछो, उनसे चर्चा करो, उनके पास जाने से 100 गुण आएंगे। चाइनीज लैंग्वेज में एक कहावत है, 30 किताबें पढ़ने से उतना लाभ नहीं होता जितना 30 मिनट किसी विद्वान की संगति करने से होता है। तो पूछोगे नहीं तो पूछना आएगा जब ना, पूछने का तरीका आना चाहिए ना, तो पूछना भी बहुत जरूरी काम है। हमने पूछ पूछ के बड़े बड़े विद्वानों को, धुरंधर विद्वानों को, उनके घर जा जाके पैर छू के, बताओ गुरुजी, बहुत ज्ञान प्राप्ति होती है पूछने से, टिकता है वो। 4 आवश्यक, पांचवा आवश्यक लेखनम, रोज लिखना जरूरी है। जब लिखते हैं तब पता चलता है हम कितने कच्चे हैं, ऐसे तो लगता है आ रहा है। अभी जैसे अभी आपसे कहा जाए आज के व्याख्यान का सारांश लिखो, वैसे तो हाँ सब आ गया था, और लिखने बैठो जब तब नहीं आता है। अभी आपसे कहा जाए 6 द्रव्यों पर 1 लेख लिख दो, 4 अभाव पर 1 लेख लिख दो, तो पता चलता है कि चीजें गायब हो रही है, गलत आ रही है। एक एक बिंदी मात्रा का फर्क होता है कि नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी क्यों है, मोक्ष मार्ग क्यों है, इस पर बहस है कि नहीं है? प्रमाण नये अधिगम में प्रमाण क्यों पहले है और नये क्यों बाद में है, इस पर बहस है कि नहीं है? तो क्यों है? तो जब लिखते हैं ना तब भंडा फोड़ होता है, अपनी पोल खुलती है, हम कहां खड़े हैं पता चलता है। इसलिए लेखनम, लिखो। कोई छपाने के लिए पंडिताई दिखन, ज्ञानाराधना के लिए, अपने ज्ञानार्जन के लिए चीजों को, विषय को लेकर के व्यवस्थित रूप से लिखो। लेखनम पाठनम, और रोज पढ़ाओ,
पाठनम, डेली अच्छा विद्यार्थी वही है। मैं आठवीं क्लास से पढ़ाता हूं, मुझे पढ़ाते हुए 50 साल होते आए, बोलो 45 तो हो ही है। पढ़ाना जरूर। एक और कहावत है, टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, टीचिंग इज द बेस्ट। अभिमान के लिए मत पढ़ाओ, हर चीज का मिसयूज क्यों, सब चीज को उधर ही क्यों ले जाते हो। हम अपने लिए कर रहे हैं ना, मम परम विशुद्धि, कहीं के लिए लिखा, निय भावना निमित्तम। अरे अपनी विशुद्धि के लिए वितराग चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये छह आवश्यक जो पालेगा उसको ज्ञान। देखो मैं जो आज कुल मिला के ठोक बजा के यही बताना है कि इस चीज पर हमारा ध्यान गया नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, गया नहीं है अभी भी। मैं साफ कह रहा हूं, हमें लगता है गया है, हम मानते हैं, नहीं मानते हैं। हमको ये समझ में आना चाहिए, सारी जड़ अज्ञान है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, जैसी है वैसी हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसी ज्यों का त्यों, अन्यून मन अतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात्, निस्संदेह हम वेद यदा उस तद ज्ञान मागमिन। अब ये ज्ञान की परिभाषा आपको याद नहीं होनी चाहिए, रत्नकरण याद नहीं होना चाहिए, द्रव्य संग्रह याद नहीं होना चाहिए। क्या होता है, कर झट पुगल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो दुणिच्चय दो छेदण कम्माणा दा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, खेल खत्म, पूरा करता कर्म अधिकार आ गया। एक दो तो कुछ गाथाएं कुछ श्लोक कंठस्थ करो। ये उपयोग, ये मन है ना, शैतान है, ये खा जाएगा अगर इसको इस काम में नहीं लगाया तो, राक्षस है ये, और सुन लो एक अलग बात है ये। अब ये अलग बात है, ये बाद में बताएं कभी, है कि नहीं। ये भी ये राक्षस है, ये मन खा जाएगा ये। बस वो छह बात बता के पूरी कर देता हूं। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित, निद्रालु काम कश्चेति सड़ैते शास्त्र वर्जिता। अब ये छह बातें मुझे ऐसे याद रहती, श्लोक याद है ना, तो फटाफट फटाफट सबको बता देते, याद कर देते। छह तरह ये लोग जी ज्ञान नहीं कर सकते। नंबर एक आलस्यो, दूसरा मंद बुद्धि, तीसरा सुखिनो, सुखिया स्वभावी। कितने ही लोग ऐसे सुखिया होते हैं, मैंने कहा चलो रामायण चलते हैं, वहां तो चटाई पे बैठना पड़ता है, वहां तो वो नहीं है, सुविधा नहीं है, ये सुविधा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, सुखिया अपने आप को सत्यानाश कर रखा है अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर रखा है। वो निकल नहीं सकते जब तक उनको पांच सुविधाएं ना दे तो। नहीं, डनलप का गद्दा चाहिए। ऐसे ऐसे जी पाओगे, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। सुखिया जीव ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित, और शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। परमानंद स्तोत्र में लिखा, इस विश्व में आत्मा के बाद सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक कोई चीज है तो अपना शरीर है, लिखा है परमानंद स्तोत्र में लिखा है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्याद दे चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्याद पर चिंता धमा धमा। तो इस श्लोक बता रहे, प्रमाण दे रहे। आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित निद्रालु, जब देखो तब सोना, निद्रालु ज्ञान प्राप्ति के लिए अयोग्य है। खूब जगना आना चाहिए, क्या क्या हुआ। निराला ने राम की शक्ति पूजा की कविता लिखी, 14 रात सोए नहीं, 14 दिन रात बिल्कुल नहीं सोए,
तब जाके साधना होती है, ऐसे ही नहीं होती। ये साधना है ज्ञानाराधना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सब साधना लिखा है। सब साधना, सब साधना जानते हो, हठ योग में तंत्र विद्या में एक साधना होती है सब साधना, हठ योग तांत्रिक करते बड़े बड़े, सब साधना। सब साधना कैसी होती है, सब के ऊपर बैठ के मंत्र जपना पड़ता है, सब सब के ऊपर लाश के ऊपर बैठ करके तंत्र साधना करते हैं, और जब वो जिंदा हो जाए तो समझते सफल हुई। ज्ञानाराधना सब साधना, सब साधना नहीं है, शिव साधना है, है? आलस्यो मंद बुद्धिश्च सुखिनो व्याधि पीड़ित निद्रालु कामुकश्चेति, कामु जीव भी नहीं प्राप्त कर सकते, सदा ध्यान इधर ही लगा रहे, क्या पड़ेगा खाक। तो ऐसे छह दोष अपने अंदर ना हो और ज्ञान आराधक ज्ञान को बस मेरे जीवन का एक ही, कुंद कुंद महाराज ने लिखा, ज्ञान में ही रत हो, ज्ञान में ही संतुष्ट हो, ज्ञान में ही तृप्त हो, अगर तुम्हें उत्तम सुख चाहिए तो। देखो सुख का मूल ज्ञान है, कितनी बड़ी बात लिख दी उन्होंने, ज्ञान में रत हो, इसमें लगो। और केवल लगना नहीं है, लग तो जाते हैं। अब जैसे मैं संस्कृत टीचर हूं, मैं संस्कृत की लाइन में लग तो गया, मेरे बहुत साथी लग गए, लेकिन लग करके कहते हैं, शिकायत सी करते रहते हैं, क्या हमारे कर्म थे इसमें लग गए, संस्कृत में क्या कैरियर है, क्या भविष्य, कोई अंग्रेजी कॉमर्स कुछ पढ़े, तो रत तो है, सर्विस इसी में कर रहे, तनख्वाह इसी की लेते हैं, पर संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि आपको रत भी होना है और आपको फिर संतुष्ट भी होना है। और कुछ लोग कहते हैं, देखो साहब अपन संस्कृत में लगे हैं लेकिन संतुष्ट भी है, देखो औरों जितनी सैलरी कर दी अब तो गवर्नमेंट ने, संस्कृत टीचर की सैलरी पहले कम थी अब तो उतनी है जितनी औरों की होती है, तो अपन तो सेटिस्फाई है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तृप्त नहीं है, झांकते उधर है ग्लैमर में, झांकते ग्लैमर में। अब क्या करें साहब, विराट कोहली होते तो बात कुछ और होती है। तुम्हें यहां लगता है कि धन्य दिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ, तुम्हें यहां लगता, तुम ज्ञान में तृप्त होना सीख सकते हो, ज्ञान मतलब आत्मशुद्धि माने ज्ञान शुद्धि, आत्मानुभूति रीति ज्ञानानुभूति लिखा, आत्मानुभूति कुछ नहीं है, ज्ञान की अनुभूति का नाम आत्मानुभूति है। तो आत्म शुद्धि माने अनंत अनंत गुणों की शुद्धि, अनंत अनंत गुणों की शुद्धि माने जैसे एक स्विच से, मेन स्विच से पूरे गांव की लाइट आ जाती है, ऐसे ही आत्मा के अनंत गुणों की शुद्धि का एक ही उपाय है, ज्ञान आराधना, ज्ञान आराधना, ज्ञान आराधना। आप सबने जीवन लगाया है, अज्ञान को नाश करना जीवन का उद्देश्य है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है, और उसी के लिए थोड़ी बहुत चर्चा न्याय की करेंगे अपन। ज्यादा बोला होगा पता नहीं, हम लोग सब कुछ पता होता, ठीक है जो है सर। बहुत दिनों के बाद आपका स्वाध्याय का युग बन पाया, अपन सबको तो स्वाध्याय करके बैठना ही, पढ़ के बैठना है, लेकिन एक प्रयास अपन गांव के लोग भी करें, घर घर जाकर निवेदन करें, ऐसे विद्वानों का समागम दुर्लभता से मिलता है। दोपहर में पुनः अपन सभी स्वाध्याय भवन एकत्रित होंगे और ठीक 2:15 बजे से अपन वहां पाठ करके 2:30 बजे से पूजनीय पंडित साहब के स्वाध्याय का लाभ लेंगे। शाम को 7 बजे से जिनेन्द्र भक्ति रखी है और 7:30 बजे भाई साहब का स्वाध्याय रखा हुआ है 20 सागर जी का, और उनकी अनुकूलता से और अधिक समय बढ़ेगा तो वो सूचना आपको व्यक्तिगत रूप से हम करेंगे, अभी तो इसी प्रकार का कार्यक्रम है।
हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे।